कंदकोट से आपको आगाह करते चले। कंदकोट सिविल अस्पताल के अंदर आरओ प्लांट इकबाल मेमोरियल लाइब्रेरी में 200 जायद किताबों और एमसीएच में ओटी साजो सामान और सोलर का जिला इंतजामिया की जानब से इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जिला अफसरान का कहना था कि कश्मीर जिला भर में सेहत और तालीम को बेहतरी की तरफ गामजन करते हुए सिविल अस्पताल के अंदर आरओ प्लांट का बुनियाद रखा गया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने इकबाल मेमोरियल लाइब्रेरी के अंदर 200 जायद किताबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कंदकोट लाइब्रेरी के अंदर सीएसएस और पीसीएस की तैयारी के हवाले से किताब मौजूद है ताकि नौजवान पीसीएस और सीएसएस पास करके अफसर बने और कंदकोट शहर की खिदमत करें। लाइब्रेरी के अंदर तमाम सहूलियात मुहैया की गई ताकि पढ़ने वाले नौजवानों को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश न आए। पढ़े लिखे माशरे की निशानदेही है कि इसकी लाइब्रेरी आबाद हुआ करती है, इसलिए शहर भर के तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त लाइब्रेरी को दें। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने एमसीएच पहुंचकर ओटी इक्विपमेंट और सोलर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि एमसीएच के अंदर सोलर ओटी सामान की इंतहाई जरूरत थी जिसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तर सहूलियात मुहैया की गई ताकि गरीब और मसाकीन का बेहतर से इलाज किया जाए। इस मौके पर सूबाई महकमों के अफसरान डीएचओ एहसान अकबर और आईडीएचओ भी मौजूद थे।